प्यारे किसान वीरों प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत दे विच तुहाडा स्वागत करदे आ। जिवें तुसीं जाणदे हो कि इस प्रोग्राम दे जरिए असीं तुहानूं समें समें ते खेती तकनीकां संबंधी ज्ञान खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा दे माहरां तों दिवाउंदे रहिंदे आ। उसी लड़ी दे विच अज असीं तुहानूं ज्ञान दे रहे हां पक्की कणक नूं अग तों बचा, इह विशा साडे अज दे इस प्रोग्राम दा। इस विषय संबंधी जानकारी देने लई मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर नरेश कुमार सुनेजा जी, जिहड़े खोज विज्ञानी ने यूनिवर्सिटी च लुधियाणा विखे अपनी सेवा निभा रहे आ। इन्हां तों आपां सारी जानकारी हासिल करनी आ क्योंकि हुण समां भी आ रहा, कणक पक्कण दे किनारे आ। कई बार खड़ी कणक नूं अग लग जाती है जां फिर कई बार किसी होर कारण करके अग लग जाती है। सो किहड़े कारण ने, सारी गलबात इन्हां नाल सांझी करांगे। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है साडे प्रोग्राम दे विच। सब तो पहला जदों असीं गल करदे आं खेती हादसों की, की भाव है खेती हादसों तो डॉक्टर साहब साडी सुनने वाले नूं दसो। बिल्कुल जी, जदों आपां किसे भी किते की गल करदे आं तो असीं सुणने आं कि कम दे नाल नाल कई बार हादसे भी हो जाते हैं जी, चाहे वह किसानी का किता ही क्यों ना हो। हादसे का भाव यह है कि मंदभागी घटना जिंदे नतीजे माड़े है किसी न किसी रूप च, आप नहीं चाहते। तो हो भी इस तरह जाती है कि साढ़े तो अचनचेत कोई कारण बन के साढ़े ना चाहते हो भी घटना वापर जाती है, पर जदों उनकी असी माड़े नतीजे की गल करते हैं तो वह कई तरह के हो सकते हैं, भावें एक नतीजा हो चाहे इकट्ठे रल के ज़्यादा नतीजे हो। सब तो वड्डा तां नुकसान हुंदा है कि जे किसी की मौत हो जाए, हाँ जी। दूजा है कि जे किसी नूं जिस्मानी तौर पर सर्टिफिकेट लग जाए, पक्के तौर पर है, अर्जी तौर पर है, टाइम पा के भर जाती है, पर काफ़ी नुकसान हुंदा है, खर्चा हुंदा है, दर्द हुंदी है, काम काज रुक जाता, प्रभावित जिहड़ा प्रभावित हुंदा जी। इस तों बाद अगर असीं गल करिए तो कई बार ये हुंदा कि ये सारा कुछ तो बचा हो गया पर मशीन की ट्रैक्टर की नुकसान हो गया, टुट भज हो गई, सानू नू ठीक करवाने वास्ते काफ़ी खर्चा वगैरह करना पाया, काम भी रुकया रहा। तो जे भी ना हो कई बार होंदा कि पैसे का खर्चा आ गया, बाकी तो सारा बचा रहा, जिवें कनक नू अग लगन दे आ, नाड़ सड़ गया, कनक सड़ गई, साडा खर्चा काफ़ी आ गया, जां राह जांदे तूड़ी वाली ट्राली पलट गई, वो पलटदी है तो आम तौर पर ट्रैक्टर तूड़ी नूं तां ट्रैक्टर ट्राली नूं कोई नुकसान नहीं हुंदा, पर मशीन ट्रैक्टर सड़क ते किनारे दिहाड़ी दो दिहाड़ी खड़े रहिंदा, सारी किसी होर ट्रैक्टर ट्राली नूं बुला के सारी खाली करके तो जिहड़ा है वो साडा काफ़ी दिहाड़ियां दा नुकसान हो जाता। इस तों इलावा भी कई बार की हुंदा कि असीं कहिंदे अज तां सारा कुछ ही बहुत वधिया बच गया तो अज रब दा शुक्र है भी जमें ही सुके बच गए, किसी तरह का नुकसान नहीं होया जी, पर वह भी हादसा, क्योंकि जे इसनू हादसे तौर पर नहीं मन्नांगे तो की होएगा कि वह बाबा बाबा होएगा, जे इस विचार नहीं किया उन्दे तो बचन दे ढंग नहीं कोई सोचे तो जदों दूजी बारी होएगा तीजी बारी होएगा पता नहीं अगली बारी की नतीजा निकलना, असी इन्ने कुछ किस्मत होइए कि ना होइए जी। सो ये नुकसान तो बचन की जरूरत है। बिल्कुल, देखो किसान वीरों डॉक्टर साहब ने सानू बड़े ही विस्तार दे नाल दस्या कि उहो जे हादसे जिहड़े असीं कदे सोच भी नहीं सकते अचानक हो जाते उन्हों असीं हादसा मानते हैं। सो डॉक्टर साहब फिर आपां गल करिए हुण खेती दी, अजकल जिस तरह अप्रैल चल पिया महीना शुरू हो गया, कणक साडी पक्कण किनारे है, इस तों बाद मशीनां चलणियां उहदे विच, थोड़ा जिहा इहदे संबंधी दसो कि अजकल ਕਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गैस चढ़न के हादसे भी बड़े होंगे, करंट लगन के भी होंगे मोटर वगैरह तो, अलग अलग मौसम के नाल अलग अलग मशीनों अलग अलग तरह के कारण बन जाते जिहड़ा अजकल का टाइम चल रहा, कनक की वाढ़ी आ रही है, इन्दे च कंबाइना थ्रैशर तूड़ी वाली कंबाइन इस तरह दशीन काफ़ी ज़्यादा वरतों च आदि,
जो ये आदि है तो कणक बिल्कुल पक्की होंगी है, पक्की होंगी है तो उन्हों कणक न अग लगन का भी जोड़ा कफसर है डर बन जाता। तो आप पढ़ते भी हाँ, हर साल अखबार पढ़ते हैं सुनते हैं, कई बार 10 खेत सड़ गए, कई बार 20 सड़ गए, कई बार 100-200 पूरे के पूरे पिंड तो भी टप के अग जी है इन्नी कंट्रोल तो बाहर होंगी है कि दूजे पिंड दूजे खेतों च पहुँच जाती है। स्टार्ट तो एक चिंगारी नाल होंगी है पर नतीजा उनका बहुत माड़ा हो जाता। तो ना सिर्फ फसल का नुकसान होंगे, कई बार ट्रैक्टर ट्राली या होर मशीन भी उनके लपेटे च आ जाए, कई बार बचाने के चक्कर या बुझाने के चक्कर च कई बार बंदे भी सटफेट लग जाती है। सो नुकसान कई बार जा कोई पशु ने उनकी चपेट च आ जाते हैं। तो सानू बड़ा इस मौसम के ध्यान रखने की जरूरत है जी जी कि असं इन हादसों तो बचिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब तुसीं गल सही कही है कि जे इन्हां दिनां दे विच किते खेत दे विच अग लग जावे तां फिर वह एक पिंड नहीं कई वारी नाल दे पिंडां नूं भी लपेट दे विच लै लैंदी आ ते कई वारी जानी माली नुकसान भी हो जांदे ने। सो किसान वीरो सानूं हुण साडी पक्की फसल है इहदा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो डॉक्टर साहब तों आपां पुछदे आ कि अज कल जदों आपां देखदे आ खेत दे विच सो अग लगण दे कारण मुख्य कारण की हो सकते हैं। पहला आप मुख्य कारण दसी डर साहब फिर आपां नूं विस्तार दे नाल किसान वीरां नूं दसांगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सारे कारण बन जाते हैं चाहे उनका संभावना घट होवे चाहे वध होवे जी, पर जिहड़े कारण ने आम तौर पर कुछ तो है कि मशीन दे करके कोई ना कोई आप रख रखाव नहीं ठीक किया जां आपां उहदी सांभ संभाल नहीं ठीक की जां अपने कोई कम करन दे ढंग च थोड़ा बहुत तब्दीली चाहीदी सीगी आपां इस गल दा ख्याल नहीं किया जी। इस तों इलावा जिहड़ी बिजली की चिंगारी है तार तों ट्रांसफार्मर तों कई वारी उह चिंगारी अग दा कारण बनदी है। कामे ने बीड़ी सिगरट कई वारी वरतदे ने, कोई माचिस की वरतों चाह रोटी वास्ते वरतदे ने, उत्थों कई वारी अग फैल जाती है। सो इस तरह के काफ़ी सारे कारण बन जाते हैं, पर जे सानू कारण की समझ आ तो असीं उहदे तों बचण वास्ते भी उदों ही चंगी तरह तैयार हो सकते हैं। इस वास्ते कारण समझने बहुत जरूरी ने जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गल है किसान वीरो कि बहुत सारे कारण ने, डॉक्टर साहब ने दस्या कि अज कल खेतों के सानू एहतियात वरतन की जरूरत है ताकि साड़ी खड़ी फसल है जिहड़ी पक्की फसल है पुत्तां वांग पाली फसल है साड़ी चंगी तरह साड़ी खेत दे विचों घर चली जाए। सो डॉक्टर साहब गल ये है भी देखो कई बार मुख्य कारण बिजली दियां तारां दा कारण बन जाता है क्योंकि खेत दे विच खंभे भी लगे हुए आ, तारां भी कई बार लमकदियां हुंदियां ने। तो थोड़ा जिहा इहनूं विस्थार नाल दसीए कि किसान वीर अपने तौर पर की कर सकदा है भी बिजली दियां तारां तों साडा नुकसान ना होवे। बिल्कुल जी, ज़्यादातर जिहड़े हादसे ने उह बिजली दी तारां तों चिंगारी जां ट्रांसफार्मर दी तारां तों चिंगारी पैदा हो के नीचे डिगण नाल जी हुंदा की है। कई वारी जिवें अजकल आम तौर ते मौसम सुक्का हुंदा है, हवा भी तेज़ हो जांदी है जी, उहदे करके जे तां कोई तारां ढिल्लियां ने लूज ने ते उह हिल के आपस च टच कर जांदियां। कई वारी पंछी वगैरह भी इसका कारण बन जांदे है, दो तारां आपस च इकट्ठियां हो गईयां शॉर्ट हो गईयां तो जो भी तार आपस टच कर दिया शॉर्ट होंगे तो चिंगारी पैदा होंगी। इस तरीके नाल क्योंकि मेन तारा वड्डिया हाई वोल्टेज दियाँ वह भी पिंडां दे विच्चों खेतां चों लंघदियां ने, घर की सप्लाई भी जिहड़ी बिजली दी है वह भी उस दे चों लंघ रही है, तारा दे च जोड़ भी होंदे आ ते जे जोड़ कोई ढिल्ला उत्थों चिंगारी पैदा होंदा हमेशा ही डर बनिया रहिंदा। हाँ जी बिल्कुल। इस तों इलावा जे किते इस मौसम दे विच सप्लाई दी वोल्टेज पिछों थोड़ी जी घट गई जां ओवरलोड हो गया जां वध गई उदों भी कई वारी भड़ाका मार के चिंगारी नीचे डिगदी है जी। ट्रांसफार्मर ते फ्यूज़ लगे होंदे ने, उत्थों भी कई वारी एकदम फ्यूज़ सड़दा, सड़ के थल्ले डिगदा, नाले सप्लाई बंद हो जांदी, नाले चिंगारी थल्ले डिगदी है। सो इस तरह के कारण बन जाते ने। सानू ये कहने की जरूरत है कि असी टाइम रहिंदे समय तो पहले क्योंकि बिजली वाला काम है, बिजली वाले काम के उत्ते करंट लग गया तो बड़ा औखा है, आम तौर पर करंट लगन तो बाद बचना बड़ा मुश्किल है।
असी अपने लैवल दे उत्ते अपने तौर दे उत्ते ना कोई इस काम दे च हाथ पाईए जिहड़ा बिजली महकमा उन्हां कोल बिल्कुल ट्रेंड किते होए जिहड़ा स्टाफ हुंदा असी उन्हां दी मदद लईए उन्हां दी मदद दे नाल इह सारियां कमियां जिहड़ियां ने चैक करवा के ठीक करवा लईए जे तां ढिल्लियां ते चाहे विचकार लक्कड़ दे डंडे बन के कई वारी उन्हां नूं दूर दूर कर दिंदे ने जोड़ पक्के किते जांदे ने सो इह कारनां नूं खत्म करन दी जरूरत आ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾਈ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੀਚੇ ਤੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਫੜੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਮਿਲੀ ਬਾਲਣ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕੰਕਰੀਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਸਕੇ ਨਮੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਾਂ ਜੇ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਬਜਰੀ ਵਿਛਾ ਦਿਓ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲ ਸਕੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਲੇਬਰ ਵੀ ਬੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਚਿਸ ਜਾਂ ਤੀਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਬਰ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕੀ ਅਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਚਿਸ ਤੀਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਚਿਸ ਤੀਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਵਰੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੱਲੜੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਖੰਡਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸੋ ਕੋਈ ਮਾਚਿਸ ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਸਲ 'ਚ ਨਮੀ ਸੀਗੀ ਗਿੱਲੀ ਵੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਵਾਢੀ ਫਿਰ ਗਹਾਈ ਤੂੜੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਇੱਕਦਮ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
पर अजकल की हो रहा है कि इस साल दे विच काफ़ी सारी बरसात हो रही है, करीबन सारे पंजाब च रुक रुक के बार बार हो जाती है, नमी जिहड़ी है वो फसल दी वध गई है, उधरों कटाई का समा आ गया। सो ये ख्याल करने लई बहुत ज़्यादा जरूरत है कि जिहड़ी नमी है फसल दी वो सही होवे कटाई वेले गाही वेले, क्योंकि हुंदा की है जे तां फसल बिल्कुल सुक्की है तो माड़ा जिहा वी जदों असीं मान लो तलिया नाल भी दस टा रगड़दे हाँ तो दाने अलग अलग हो जाते हैं, पर जे गिला जिवें सवेर दे टाइम आम तो खेतीबाड़ी महकमे वालों कहा जाता कि सवेर दे टाइम कटाई ना करो, ना करो क्योंकि उदों त्रेल पई हुंदी है जी, जिहड़ी नमी है वध होई हुंदी है, भी दिन दे टाइम करो, रात दे टाइम जां तड़के दे टाइम ते ना करो, बरसात पई है उदों भी इस चीज़ नूं बदल जाओ ना करो, क्योंकि जिहड़ी नमी वाली फसल है उहनूं दाने अलग करन लई तूड़ी दे तौर ते जिहड़ा उनका नाड़ है उन्होंने टुटन वास्ते ज़्यादा देर लगती है, ज़्यादा रगड़ चाहिए है, जो तो ज़्यादा रगड़ चाहिए है तो मशीन दे ज़्यादा देर तक रहूगा, जो तो ज़्यादा देर तक रहेगा तो जिहड़ी मशीन के अंदर गर्मी पैदा हो रही है रगड़ दी उन्होंने ज़्यादा देर तक मिलेगी। इस करके जिहड़ी उन्दे च ये चांस वध जांदा है कि नाड़ दे करके ही जिहड़ा थ्रैशर का सिलेंडर है उन्दे विच अग लगन दा। दूजी गल ये कि जो गिल ज़्यादा तो दाने टुटते भी ज़्यादा ने, क्वालिटी खराब होंगी है, मंडी च पा घट मिलता, उनकी सांभ संभाल स्टोर करने वेले भी सानू बहुत मशक्कत करनी पैंदी है, क्योंकि नहीं तो स्टोर करता गिली फसल नू ता वो भी खराब हो जाएगी। फिर मशीन का जोर ज़्यादा लगता, जोर ज़्यादा लगता तो तेल भी ज़्यादा मचांदा, साड़ा तेल की खपत वध बनती है। सो ये चीज़ा करके सानू गिल तो बिल्कुल ध्यान देना कि सही गिल ही होवे। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो किसान वीरो देखो समा रहिंदे सानू ये देखना चाहिए आ कि साड़ी जिहड़ी कणक आ वो बिल्कुल सुक्की है, बिल्कुल सुका के वढ़नी आ, जदों तूड़ी बनाउणी आ तां बनाउणी आ, जदों सारे किसान वीरां ने कणक वढ़ ली तो ये भी देखना तूड़ी बनाउण वेले भी तूड़ी तो साढ़े सारिआं दे कम आउणी आ क्योंकि पशुआं नूं असीं पाउणी आ, वो भी ना सड़ जाए, वो भी सुक्की ही उदा कुतरा करना है कहने का भाव। सो ये ना हो भी तुसी अपनी कणक वढ़ ली तो कण तूड़ी बनाउणी शुरू करती बाकियों की खड़ी है तो हादसा वापर जाए। सो इस तरह नहीं करना। डॉक्टर साहब गल ये भी देखो मशीनां दी रख रखाव साढ़े पंजाब दे किसान वीर लगे हुए ने महीने तो, क्योंकि कंबाइन उन्होंने कोल आ, थ्रैशर उन्होंने कोल ने, सारिया मशीनां ने तूड़ी वाली सर्विस कर लगे हुए आ, पर फिर भी ਆਪਾਂ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ ਰੱਖ ਰਖਾਵ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਸ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਲ ਲੀਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਬਰਾਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਾਲਣ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੂਜਾ ਇੰਜਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੰਜਨ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੜ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਲੀਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਾਦਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਪਾਰਕ ਜੂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਿਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੂਹਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ,
अंदर मशीन के अंदर स्पार्क होंदी है ते अंदर जिहड़ा थ्रैशिंग दे गहाई दा चल रहा फसल उन्हूं अग लग जाती है। फिर आप जदों कई बारी तूड़ी वाली मशीन वरतते हैं कई बार इस लालच नाल कि तूड़ी थोड़ी जी वध बने बिल्कुल जमीन दे नाल ला दिओ ते जे मशीन का कोई भी ब्लेड टुट गया कोई नट बोल्ट टुट गया खुल गया खेत च पिया करोड़ा पिया मशीन ने चक लिया मशीन के अंदर गया तो उन्हें रगड़ ला के स्पार्कता देनी देनी है तो वह जिहड़ा कारण है अग लगन का बनना ही बनना। सानू ना सारयां नू चाहीदा कि मशीनां दा रख रखाव भी सही ढंग दे नाल करिए। बैटरी जिस तरह डॉक्टर साहब ने दस्या तेल आ जिहड़ा वह नहीं आले दुआले इंजन दे लग्या होना चाहीदा कोई धूड़ नहीं उत्ते पई होनी चाहीदी। सो कहण दा भाव आ कि कोई भी इहो जिहा कारण बन सकदा है खेत दे विच पक्की कणक नू अग लगन दा। सो गल इह आ भी आपां नू इहनां सारियां गल्लां दा ध्यान रखना। अखीर ते आपां डॉक्टर साहब तों ना डॉक्टर साहब साडे किसान वीरां नू उस सावधानी बरतन अखीर दे विच साडे किसान वीरां नू जरूर इहो जिहे नुक्ते दिओ खेत दे विच कोई हादसा ना वापरे। बिल्कुल जी जिहड़ी ये अग लगन दा कारण है जे असीं उहनूं सही तरीके नाल समझदे हां तां उहदे बचाव तों भी असीं फायदा लै सकदे हां। पर फिर भी क्योंकि कुदरती कम है कई वारी जरूरी नहीं है अपनी कोशिश अपनी थां ते है फिर भी अग दा कारण बन सकदा जी। तो साडा अगला मंतव चाहीदा है कि जे अग लग गई तो उनका नुकसान घट तो घट होवे जी। वो ताए अग क्योंकि बिल्कुल सुक्का बालन वाकन फसल उन्होंने मिल रही है बड़ी तेजी नाल फैलती है अग अगे अगे असी पिछे पिछे तो झुकती आम तौर पर उत्थे है जिन्हों पक्की सड़क मिल गई कोई पक्का राह मिल गया उत्थे जाके रुकदी है उत्थे जाके रुकदी है क्योंकि अगे वध नहीं सकती जां खाल आ गया तो जे असी खाल साफ सुथरा रखिया बल्कि खाल च पानी ला के उन्होंने गिल भी दे दी जां असी की ये कि कुछ गैप के बाद हरे सियाड़ ला लीए जिवें सूरजमुखी हो गया अजकल दे टाइम दे विच बरसीम हो गया कि अग उसनू टप ना सके सो इंदे नाल वो आटोमैटिकली रुकेगी। दूजी ये भी असी कोशिश करके जिन्नी जल्दी बुझा सकी है जे साडे पिंड लैवल ते असी भाईचारे दे तौर ते इकट्ठे काम करिए अनाउंसमेंट लई गुरुद्वारे मंदिर जां किसी होर स्पीकर तों जिन्नी जल्दी सारे इकट्ठे होकर किसी के भी खेत च अग लगे सारा पिंड लैवल ते करिए जिहड़े मोटरां दे चले है पानी भर के रखी है कोई पिंड दे विच टैंकर हैगे है ते टैंकर पानी भर के रखी है कोई अपने कोल वड्डे स्प्रे ने जिंद च 500-1000 लीटर दा टैंक लग्या हुंदा वो आपां पानी भर के तैयार रखिए। मतलब यह है कि जिन्नी जल्दी जल्दी असी अग वाली थां ते पहुँच के उसनू कंट्रोल कर सकीए। कई बार ये भी किया जाता कि तवियां नाल असी एक थोड़ा छड़ के असी एक पट्टी वाह दिंदे आ उहदा भी मतलब यही हुंदा कि बालन दे तौर ते जे नहीं कणक मिलदी ते अग टप के अगे ना जा सके सो इह जे कारण जिहड़े आ जां ढंग आ उह सानूं अपनाउण दी जरूरत है चाहे वह अपने तौर पर है चाहे वह पिंड पद्धर दे तौर पर आ। सो किसान वीरो जरूरी है कि आपां इह सारे एहतियात वरतीए क्योंकि कणक साडी इहो जी फसल है जिहड़ी साडा सारा साल इहदे उत्ते ही निर्भर करदा आ। सो आपां सारी इहनू सारयां नहीं वरतना पशुआं लई भी वरती जाती है पशुआं लई तूड़ी वरती जाती है सो आपां इहनू बचाइए डॉक्टर साहब दे दस्से नुक्तियां ते चलीए तां आपां इह जिहड़ी अग लगण दे कारण आ जां इहनू बचा उह कर सकदे आ। सो डॉक्टर साहब बहुत वधिया जानकारी साडी किसान वीरां नू दित्ती आ उम्मीद करदा किसान वीर दस्से नुक्तियां ते जरूर अमल करनगे। तुहाडा इहनी जानकारी देण लई बहुत बहुत धन्नवाद जी। धन्नवाद।